नेक्स्ट क्वेश्चन 2010 का सवाल है क्वेश्चन टू पॉजिटिव आयंस ईच कैरिंग अ चार्ज क्यू आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस डी इफ एफ इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन द आयंस हमें बताना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग फ्रॉम ईच आयन विल बी और ई बींग चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन बहुत ही सिंपल सवाल है कान डिफरेंट तरीके से पकड़ा है इस सवाल में दो अगर आपके चार्जेस हैं एक चार्ज क्यू है दूसरा चार्ज क्यू है इनके बीच हमें पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल बी के Q बाई डी स्क्वायर जो उनके बीच का डिस्टेंस d है अब सवाल ये पूछा है कि अगर आपका Q चार्ज है उसमें कितने आयंस होंगे उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने मिसिंग होंगे ना नहीं ना इसके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि आपका जो चार्ज Q होएगा दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट एफ डी स्क्वायर डिवाइड बाई के ये आप अपने चार्ज की वैल्यू लिख सकते हैं नाउ क्वांटाइजेशन के प्रिंसिपल से हमें पता है कि क्यू की वैल्यू अपनी एन ई e लिख सकते हैं तो so, इसके बेसिस पे हमें बस एन की वैल्यू बतानी है सो एन विल बी इक्वल टू वन बाई ई मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट ऑफ एफ डी स्क्वायर बाय के ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा अब एक बार चार ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पे इन्होंने के को के ना यूज़ करके फोर पा एफ्सोलॉन्ट यूज़ किया है तो फोर पा एफ्सोलॉन्ट ऊपर चला जाएगा सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी वुड बी द राइट आंसर